मेरे भाइयों, उस ड्राइवर की नीयत इस तरह थी जिस तरह के हमारे इमरान खान के साथी चौहान पिंडी का। अब उनको पता है कि रात को यहाँ हम लुट भी जाएंगे, क्या पता मारे भी जाए। कसोवाल एक जरेम पेशा इलाका है डैम में, वहां जैसे गाड़ी वो पहुंची वो ड्राइवर ने खराब कर। मैं बड़े डंकी की चोट से कहता हूँ, तू काउंसलर का इलेक्शन जीत के कसम खुदा की मैं दाढ़ी मंडवा दूंगा। इससे पहले कि आपको नुकसान का सामना करना पड़े, आपसे गुजारिश है कि आपने इस बुजुर्ग साहब की बातों को जरूर सुनना है। जो लोग ड्राइवर हैं चाहे नहीं भी, उनसे गुजारिश है कि आपने इस बुजुर्ग साहब के बहुत बड़े मैसेज को आगे जरूर फैलाना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा पेशा है ड्राइवरी, मैं अपने पेशे के ऊपर आज बात करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाइयों। 1967 में बस चलाता था लाहौर से मुल्तान, जैसे मैं आया उकाड़े के करीब वहां पर मेरी गाड़ी खराब हो गई। जो मेरे साथ लोग बैठे थे थोड़ी देर देखा रुके तो नीचे उतरना शुरू हो गए। अब क्यों कि यहाँ अब असर का टाइम होने वाला है। यहाँ जैसे सवारियाँ उतरने लगी, कुछ बैठे रहे कुछ उतर गए, क्लीनर से मुतालबा किया पैसे, तो क्लीनर ने पैसे देने शुरू कर दिए। जो बीच में बैठे थे मैंने उनसे पूछा, भाई पैसे आप भी ले लो, आप भी चले जाओ। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि भाई ये गाड़ी ठीक हो सकती है? मैंने कहा इंशाल्लाह ठीक हो सकती है। क्यों कि जितने भी पाकिस्तान के हैवी ड्राइवर हैं इंशाल्लाह अजीज आधे मैकेनिक भी हैं। मैं बड़े डंकी की चोट पर कहता हूँ, छोटा मोटा नुकसान दूर कर लेते थे, कोई चीज टूटे ना। तो उन्होंने मुझसे पूछा ठीक, मैं हाँ जी। वो बैठे रहे, उन्होंने कहा जी 2 घंटे 6 घंटे हम बैठे रहेंगे, हम आपके साथ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जो उतर गए थे दूसरी बस आई उसमें बैठे चले आए। कसोवाल एक जरेम पेशा इलाका है, कस्बा है साहिवाल से आगे, वहां पर जरेम अक्सर होता है रात के टाइम में। वहां जैसे गाड़ी वो पहुंची वो ड्राइवर ने खराब कर दी। गाड़ी खराब जब की, मेरी गाड़ी को 1.5-2 घंटे लगे, अल्लाह की मेहरबानी से एयर लॉक हुई थी, मैंने ठीक करी। आया कसोवाल में भी पहुंचा, देखा तो मैंने कहा ये बस तो वही है जो मेरे से सवारी लेके आई, मगर वो बागी गाड़ी की तरह। मैंने कहा रुक जाओ, कलेंडर से मैंने कहा मत खोलना। मैंने उनसे कहा जो अब आप मेरा साथ छोड़ के आए, आपको मंजिल मिल गई, अब शर्मिंदा है। अब उनको पता है कि रात को यहाँ हम लुट भी जाएंगे, क्या पता मारे भी जाए। मगर मैंने कहा मैंने आप जैसी नहीं करनी, मैंने जल्दी से कलेंडर को कहा खोलो, इनको अंदर भी ऊपर चढ़ा के बस भर के हम वहां से निकल आए। मेरे भाइयों, उस ड्राइवर की नीयत इस तरह थी जिस तरह के हमारे इमरान खान के साथी चौहान पिंडी का, इस तरह की नीयत थी जिस तरह चौधरी फवाद हसन, फवाद चौधरी जेलम वाला, इन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा। और जो इन्होंने मीडिया टॉक किया, मुझे दुख उस बात पे है, साथ तो छोड़ दिया, मगर चौहान तू, मैं बड़े डंकी की चोट से कहता हूँ, तू काउंसलर का इलेक्शन जीत के कसम खुदा की मैं दाढ़ी मंडवा दूंगा तेरी। तू क्या समझता है ये वो लीडर है? ये वो लीडर है जो अवाम के ऊपर जान देता है, अपने बच्चे छोड़ के अपनी बीवी छोड़ के आपके बच्चों के लिए कर रहा है। आपने साथ जो छोड़ा है मुश्किल वक्त में, जिसने भी इमरान खान का साथ छोड़ा है वो ना इधर का रहा है ना वो उधर का। जो लोग मेरे साथ रहे, मेरे साथ आए, जो रास्ते में बिठाए, अल्लाह ताला ने उनको भी बचाया, और हम सब वो शर्मिंदा हुए कि जी हमने आपका साथ छोड़ के आए थे तो बड़ा जुल्म किया था, मगर आपने वो नहीं किया जो हम करके आए। मैंने कहा हम करते भी नहीं है, मेरा इमरान खान वो लीडरों की तरह नहीं करेगा जो और लीडर करते हैं। याद रखना कि ओके वक्त में जिसने साथ किसी दोस्त का छोड़ा आधे रास्ते में, वो दोनों जहान उसके गए। याद रखना इमरान खान वो लीडर नहीं है, बड़े कम लीडर आते हैं ऐसे जो आवाम को सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद अंसर, और आप देख रहे हैं फेसबुक पे ये काजी न्यूज़ पी के और यूट्यूब चैनल स्टोरी डीजी के। नाज़रीन, मैं आपको ये नहीं कहता कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और पेज को फॉलो करना है, नहीं। अगर आपका दिल मुतमईन है तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और पेज को फॉलो करना है। देखे ना नाज़रीन, इस बुजुर्ग साहब की एक नसीहत आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आ सकती है। देखना, अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करें या ना करें, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आप इस मैसेज पर अमल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा आपकी मौजूदा ज़िंदगी में। अगर ये मैसेज, इस बुज़ुर्ग साहब का ये मैसेज अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना है। उम्मीद है कि ये मैसेज, ये नसीहत आपको समझ आ जाएगी। जज़ाकअल्लाह खैर। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के लिए एक शेयर तो बनता है।